कॉन्ट्रोवर्सीज में रह चुकी फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन और निर्माता हैं विपुल अमृतपाल और ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है। वेल, अगर आप भी द केरल स्टोरी देखने का प्लान बना रहे हैं तो ये हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपका खर्चा सिनेमाघर तक जाने का कम हो जाएगा। दरअसल ये खास ऑफर सिर्फ मुंबई की महिलाओं के लिए है, जहां डोंबिवली इलाके में एक रिक्शा चालक ने फिल्म द केरल स्टोरी के लिए महिलाओं के लिए एक विशेष पेशकश रखी है। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली इलाके में एक रिक्शा चालक ने फिल्म द केरल स्टोरी देखने जाने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष ऑफर रखा है। रिक्शा चालक ने घोषणा की है कि वो कल्याण डोंबिवली क्षेत्र के एक सिनेमाघर में इस फिल्म को देखने के लिए जाने पर महिलाओं को मुफ्त में रिक्शा यात्रा देगा, जिससे आपका कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। रिक्शा चालक का नाम है गणेश महात्रे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि गणेश ने कुछ दिनों पहले इस फिल्म का ट्रेलर देखा था, जिससे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। गणेश ने कहा कि उन्होंने मेरी ओर से एक मुफ्त रिक्शा की व्यवस्था की है ताकि हर महिला इस फिल्म को देख सके। वर्तमान में रिक्शा चालक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें, सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी द केरला स्टोरी में केरल की 32,000 महिलाओं की कहानी को बड़े पर्दे पर बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। वेल, इस फिल्म को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। फिल्म अच्छी खासी कलेक्शन भी कर रही है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि इन महिलाओं को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया गया और उन्हें सीरिया भेज दिया गया। फिल्म में अदा शर्मा ने फातिमा नाम की लड़की का किरदार निभाया है, जिसे काफी सराहा जा रहा है। आपको बता दें, सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को पहले दिन दर्शकों का काफी प्यार मिला। लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और इसे रियल बेस्ड स्टोरी बता रहे हैं। और इसी के साथ द केरल स्टोरी की कमाई के पहले दिन के आंकड़े भी आ गए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया और फिल्म के ऑफिशियल कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी ने ओपनिंग डे पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8.3 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। द केरला स्टोरी की कहानी केरल की 3 महिलाओं पर बेस्ड है, जिनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन उनका कराया जाता है और कथित तौर पर वो आतंकी संगठन ISS में शामिल हो जाती है। आपको बता दें, फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही वो विवादों में आ गई थी। एक समुदाय विशेष ने फिल्म पर आपत्ति जताई थी और यहां तक कि फिल्म रिलीज की रोक की भी मांग वाली याचिका भी जमानत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने याचिका पर विचार से ही इनकार कर दिया। फिलहाल फिल्म तमाम विवादों से बीच सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है और इसे बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिल रहा है।